अजमेर के विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 808वें सालाना उर्स का झंडा कल दरगाह के 50 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया जाएगा। झंडे की परंपरागत रस्म को निभाने के लिए भीलवाड़ा के लाल मोहम्मद गोरी परिवार के सदस्य अजमेर पहुंच गए। गुरुवार को असर की नमाज के बाद करीब 5:30 बजे झंडे का जुलूस दरगाह गेस्ट हाउस से पूरी शानो शौकत के साथ शुरू होगा। दरगाह के निजाम गेट से प्रवेश करके बुलंद दरवाजे पहुंचकर करीब 7 बजे झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की जाएगी। इसी दौरान दरगाह के पीछे पीर साहब की पहाड़ी से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। झंडे की परंपरागत रस्म गौरी परिवार के पोते फखरुद्दीन झंडा चढ़ाकर अदा करेंगे। 1928 से अब तक भीलवाड़ा का गौरी परिवार ही यह रस्म अदा करते आया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में 808वां उर्स की झंडे की रस्म अदा करने आया हूँ और ये रस्म 20 फरवरी बरोज जुमेरात असर की नमाज के बाद सैयद मारूफ अहमद साहब की सदारत में ये रस्म अदा की जाएगी। कितने सालों से आप ये झंडे का रस्म अदा करने के लिए आते हैं? ये रस्म सन 1928 से हमारे पीर मुर्शिद सैयद अब्दुल सत्तार बादशाह जान ने शुरू की और उनके बाद सन 1944 से मेरे दादा लाल मोहम्मद गोरी ने सन 1944 से इकरार में तक इस रस्म को अदायगी और उनके इंतकाल के बाद मेरे वालिद मोइनुद्दीन गोरी ने 1991 में से 2006 तक यह रस्म अदा करता है और उनके इंतकाल के बाद यह रस्म अब तक मैं अदा कर रहा हूँ और दुआ करूँगा अपने हिंदुस्तान में सब भाईचारे से रहे और अमन शांति बनी रहे, यही दुआ करता हूँ। आपका नाम? फखरुद्दीन गोरी, भीलवाड़ा।